नमस्कार, मैं हूँ रश्मि। रश्मि किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू। चलिए शुरुआत करते हैं। उसके लिए हमने एक कप बेसन ले लिया है, एक कप पीसी शक्कर ली है और आधा कप घी लिया है। अगर आपको उसके ऊपर बादाम लगाने हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अभी हम कढ़ाई में घी डालेंगे। घी हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें बादाम तल लेते हैं जो हमको लड्डू के ऊपर लगाने हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो ही बादाम फ्राई कीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है। बादाम थोड़े ब्राउन होने तक उनको चलाते रहिए। हमारे बादाम ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, उनमें से थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आ रही है। ये देखिए कलर आना शुरू हो गया है, अब हम इनको निकाल सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन डाल देते हैं भूनने के लिए। बेसन भूनते समय याद रखें फ्लेम को मीडियम ही रखें। बेसन भूनते समय उसको बराबर चलाते रहना है, नहीं तो हमारा बेसन जल सकता है। हमारा बेसन बनना स्टार्ट हो गया है। याद रखें कि जब तक हमारा बेसन गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक आप उसको चलाते रहें। जैसे ही बेसन बुनना शुरू होता है घी छोड़ने लगता है। आप ये ना सोचें कि बेसन में घी कम है। अभी हमारा बेसन लगभग भून चुका है। ये देखिए इस तरह का बेसन आपका रहेगा तो एकदम परफेक्ट लड्डू बनेंगे। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ठंडा होने तक रखेंगे। जैसे ही हमारा मिश्रण ठंडा हो जाएगा हम इसमें पीसी शक्कर या बूरा ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, लेकिन अगर आप गरम गरम में मिला देंगे बूरा या शक्कर
तो पिघल जाएगा और हमारे लड्डू परफेक्ट नहीं बनेंगे। जब तक ठंडा होता है तब तक इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए हमारा बेसन ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें शक्कर मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं तो शक्कर थोड़ी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हम बेसन के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप जितना छोटा बड़ा बनाना चाहते हैं। ये एकदम दानेदार लड्डू बनकर तैयार हैं। अगर आपको बेसन के लड्डू पसंद आए हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।